हाय गाइस, स्वागत करता हूं आप लोगों का टेक्नो गेमर चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कुछ आईसीसी क्रिकेट 2015 गेम के बारे में। ठीक है, तो ये क्यों प्ले स्टोर से हटा और ये क्या होने वाला है इसके आगे इस गेम के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि कंपनी है इसकी, वो क्या सोच रही है कि इसके ऊपर कुछ अपडेट लाना चाहिए। जैसा कि वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप कंपनी है और भी कंपनीज हैं, वो अपडेट लाती रहती हैं, तो उनने भी सोचा कि एक अपडेट लाया जाए इस गेम के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आईसीसी प्रो क्रिकेट 2015 गेम अभी तक प्ले स्टोर पर पब्लिश था, बट इस गेम को जो कि उन्होंने चेंजिंग करने के लिए सोच लिया है। उन लोगों ने ये भी सोच सकते हैं वो लोग कि नेम चेंज करें। ओके गाइस, तो वो लोग सोच रहे हैं कि यार उसका नेम भी चेंज करके 2018 कर दें, क्योंकि 2018 इस साल चल रही है, इसलिए वो अपडेट बनाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल प्ले स्टोर से जो कि उनका पैक था ना, वो ख़त्म हो गया। जितने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ का, उसी तरह से हमारा जो कि कब हम अपना एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं तो हमसे पूछा जाता है। इसीलिए इनने एक चीज़ सोची है कि उसके बदले आईसीसी प्रो क्रिकेट 2015 के बदले 2018 करा जाए। तो गाइस, मेरे को ये बहुत अच्छा डिसीजन लगा इनका, और इन्होंने सोचा कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए ग्राफिक में, और ये कर रहे हैं, उसके भी ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो कि लैग्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, वैसे लैग्स होते थे इसके अंदर, वो भी चेंजिंग करने का इन लोगों ने सोच लिया है। तो गाइस, ये गेम भी बढ़िया बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यार ये पहले अच्छा है, इतने ग्राफिक्स नहीं थे, ग्राफिक्स तो अच्छे थे, मतलब गेम लैग करता था और गेम अच्छे से नहीं चल पाता था, बट गेम्स ये गेम अच्छा करेंगे ये लोग, और ग्राफिक भी और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, ये भी मेरे को करंट न्यूज़ आई है अभी की है ना, ये लोग सोच रहे हैं कि इसका नेम भी चेंज करा जाए, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड बहुत से यूट्यूबर्स ने आपको ये तो बता दिया होगा कि यार ये प्ले स्टोर से क्यों हटा है, प्ले स्टोर से उन लोगों ने गलत न्यूज़ बताई है कि उसके ऊपर रिपोर्ट्स हो गई थी, वो नहीं यार, ठीक है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत बढ़िया गेम है। इसके जो कि पैक था ना, वो ख़त्म हो गया, जो कि प्ले स्टोर पर पब्लिश करने का रहता है, जितने डॉलर हम देते $25 तो हमारा पब्लिश हो पाता है गेम, वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हमको दूसरा लेना पड़ा उनको, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट करके कुछ अपडेट दें इनको। तो यही बात है यार कि किस लिए ये प्ले स्टोर से हटा, और आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।